हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। जो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो KVS का रिजल्ट है उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इसके बाद कुछ और एजुकेशनल न्यूज़ हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि किस भारतीय राज्य में पंचायत प्रणाली सबसे पहले लागू हुई। तो साथियों ये हुई राजस्थान में। तो जो करेक्ट आंसर है, टॉप 5 करेक्ट आंसर आए वो मैं आपको बता देता हूं। प्रज्ञाधार, अभिषेक शर्मा, विनय दुग्गल, विकास गुप्ता, रुखसाना खान। तो इनके ये करेक्ट आंसर आए सबसे पहले, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके करेक्ट आंसर आए। और आज के लिए जो क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए। पिंक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो साथियों अभी कुछ और अपडेट आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। सरकारी स्कूलों में जो कंडीशन है, जैसे आप जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या है बहुत कम होती जा रही है, तो इसको देखते हुए फतेहाबाद में मनावली गांव है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, तो वहां पर एक ऐप लॉन्च किया है। और उस ऐप में क्या है कि स्कूल में CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं और पेरेंट्स उन बच्चों को और उन टीचर्स को देख पाएंगे घर पे, मतलब ऐप में देख पाएंगे, लाइव देख पाएंगे कि बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। और इसके बाद फतेहाबाद में ही एक और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि सभी गांव वालों ने मिलकर जो अपने बच्चे हैं सभी को मोस्टली गवर्नमेंट स्कूलों में भेजा, और वहां पर क्या किया, अपनी तरफ से शिक्षक लगवाए, वहां पर मीटिंग करी, शिक्षकों से बोला कि अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम कार्रवाई कर देंगे आपके खिलाफ। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, और सभी लोग ऐसा करें तो शायद जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें बहुत अच्छी पढ़ाई देखने को मिल सकती है, साथ में जो प्राइवेट स्कूल है जो वो मनमानी करते हैं उससे भी बचा जा सकता है। तो साथियों इसके बाद ओवरऑल हम बात करते हैं जो न्यू वैकेंसीज हैं उनके बारे में। क्वेश्चन आ रहे थे कि सर न्यू वैकेंसीज का क्या हुआ, तो हालांकि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अगली सुनवाई होगी, उस सुनवाई में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, गेस्ट टीचर्स की भी और जो न्यू वैकेंसीज है उनकी भी। और आपको एक बार और बता देता हूँ, जो वैकेंसीज हैं ये इतनी तो हैं, हो सकता है क्योंकि जो स्पेशल वाली हैं वो भी ऐड होने वाली हैं कुछ वैकेंसीज, इसमें 1000 के अराउंड हो सकता है कि कुछ और न्यू वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिले, क्योंकि दिल्ली के अंदर काफ़ी वैकेंसीज खाली हैं, तो हो सकता है कि आपको न्यू वैकेंसीज और देखने को मिले। और इसके बाद जो स्कूलों में कंडीशन है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि गेस्ट टीचर का मामला अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दिल्ली सरकार काफ़ी मतलब दुखी है कि किस तरह मैनेज किया जाए सिचुएशन को, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन का जो सिस्टम होता है, क्योंकि वोट बैंक भी चाहिए, तो बहुत दुखी है कि कैसे कंट्रोल किया जाए इस सिचुएशन को। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद KVS से जुड़ी हुई कुछ अपडेट है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे। तो साथियों जो KVS की अपडेट ये थी कि इलेक्शन कमीशन से उनको परमिशन मिल चुकी है, अब देखते हैं कि वो कब तक रिजल्ट डाल दें। हालांकि एक दो दिन पहले कुछ सुनने में मिला था कि शायद 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाए, तो हो सकता है कि आज आपको रिजल्ट देखने को मिले, हो सकता है कि इस वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिले, मतलब रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और साथियों ये क्या है, अपडेट है, और अपडेट का मतलब होता है ये नहीं कि बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है कि जो KVS है
केवीएस हेडक्वार्टर है, वहाँ से उनका क्या माइंड बदले, हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा आगे पीछे कर दें। जैसे आपने देखा एमसीडी पीआरटी अशोक अग्रवाल सर ने भी क्या कहा था कि अप्रैल लास्ट तक जरूर आ जाएगा, क्योंकि मार्च में नहीं आया था, लेकिन मार्च में उन्होंने रिजल्ट दे दिया। तो यही है, अब उनके ऊपर होता है कि वो क्या करें। तो साथियों ये अपडेट है आप लोगों के लिए, तो ये है कि न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप प्रिपरेशन आप अपनी कंटिन्यू रखें। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।